17वीं लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सवा महीने से चले चुनाव प्रक्रिया के बाद आखिरकार 23 मई को लोकसभा के नतीजे आ गए और 19 मई को बांसगांव में हुए चुनाव परिणाम पूरे देश के साथ गुरुवार यानी 23 मई को साफ हो गया और इसी परिणाम के साथ बांसगांव से एक बार फिर कमलेश पासवान बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब रहे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मतगणना केंद्र पर परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश पासवान को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अमित सिंह बंसल, प्रेक्षक उदयदीप सिंह की मौजूदगी में विजय श्री का सर्टिफिकेट देकर कमलेश पासवान को विजयी घोषित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सांसद के अनुज व बांसगांव से विधायक विमलेश पासवान और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अमित सिंह बंसल ने कहा, अरे कमलेश गले मिलना भाई का है। हम भी पहनाए यहाँ, अच्छा यही पहन सामने से आइए, सामने से सामने से सामने से सामने से उधर नहीं पड़ी भैया, सब तो मिलेगा। चलिए भाई, तू यार कितना फोटो ऐसे ले बात, चलिए आई भैया अंदर बैठे भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद कमलेश पासवान, जिंदाबाद 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 कमलेश पासवान, जिंदाबाद जिंदाबाद राजनाथ सिंह कमलेश पासवान, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी कमलेश पासवान, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी कमलेश पासवान, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए पूरे भारत के देश की जनता की जीत है, जिस प्रकार से उन्होंने ऐतिहासिक मैंडेट दे करके मोदी जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाया है और जातिवाद को चोट किया है और विकास को वोट दिया है और इस जीत की सही हकदार जनता ही है जिसने मूल्यांकन किया और देश को जो नेतृत्व मिला है मोदी जी के नाम पर उस पर उन्होंने मोहर लगाया। गठबंधन कर रहा था, गठबंधन जो हुआ था उसमें कर रहे थे, गठबंधन तो ऐसे ही था, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गठबंधन हुई थी और जब उन्होंने देखा कि क्या नाम है मोदी जी का कार्य जातिवाद की जो खाई है उसको पाटता जा रहा है तो उन्होंने गठबंधन किया और इन्होंने ये भी करके देख लिया उनका हर्ष राज क्या है ये भी देख लिया और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था सत्ता में आना और अपने इमारतों को बढ़ाना। तो आज तो पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और इसी के साथ जो है इस तरह की मौकापरस्त पार्टी जातिवाद पार्टियों का जो है अंत भी हो गया। तो निश्चित तौर पर जो हम नए भारत के निर्माण की जो आधार रखे हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी अब उस पर वो एक शक्तिशाली इमारत खड़ा करेंगे, जिससे कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के घर में उनके निजी ज़िंदगी में खुशहाली आए और तेज़ी से विकास की गति को बढ़ाएंगे। क्या लगता है सर के बाद गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ है? देखिए, गठबंधन औंधे मुँहे गिरा है और 2022 का चुनाव तो अभी समय है, पर जनता इनको नकार दिया। अभी अब 2022 में मुझे समझ में नहीं आता है कि 2022 में इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, टिप्पणी करना हो। जनता ने जब इतना बड़ा जवाब दे करके उनको जो है उनके इस जो इसकी नापाकता थी इस गठबंधन की, तो वो तो आज धराशायी हो गई। 2022 में फिर अब देश ने स्वीकार कर लिया है कि जातिवाद की राजनीति से तंग आ गए हैं, अब जातिवाद की राजनीति का अंत होना चाहिए, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए इतना वर्ष हो गए और आज हम कहाँ किन किन मुद्दों पर अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने एक नई विश्वास उत्पन्न की यहाँ के नागरिकों में, भारत देश के, और सभी लोगों ने उनके नेतृत्व में आस्था रखा और मतदान किया, जिसका नतीजा है कि 342 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मिल रही हैं। तो जो एक सपना देखा है मोदी जी ने, वो सपना पूर्ण होगा और जनता ने उस पर मोहर लगाई है। उसके लिए जो है जनता का आभार प्रकट करने का दिन है। भारत की भाग्य विधाता जो जनता है, मोदी जी ने कहा था कि क्या नाम है, प्रत्येक नागरिकों को मैं उनके जो तपती धूप में, अपनी रैलियों में कहते थे कि आप तपती धूप में जो खड़े आपके पसीने का एक एक जो है कीमत अदा करूँगा। तो इस प्रचंड बहुमत ने अभी सभी को एक विश्वास और दिया है और मोदी जी को भी एक प्रेरणा मिलेगा इस मैंडेट से और अच्छा कार्य करने का। भाजपा के प्रत्याशी श्री कमलेश पासवान जी को लगभग 152,000 मतों से विजयी घोषित किया गया है, निर्वाचित घोषित किया गया है।